हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम डांस के विषय में बात करने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर। डांस जो कि संसार में अधिकतर लोगों की और मसीहों की भी एक पसंदीदा हॉबी है। टेलीविज़न में, लाइव शोज़ में, हर जगह पर आज डांस को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि डांस करने वाले और देखने वाले दोनों बहुत चाव से इसको एंजॉय करते हैं। और इन डांस शोज और परफॉर्मेंसेस को मसीह लोग भी बहुत चाव से देखते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये जो सांसारिक डांस शोज और डांसर्स को आप देखकर एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं, ये आपकी आत्मिकता पर, आपके आत्मिक जीवन पर कैसा प्रभाव डालते हैं? आइए हम आपको बताते हैं। जितने भी डांस शोज या लाइव परफॉर्मेंसेस आप देखते हैं, चाहे वो पुरुष करें या स्त्री, आप यदि उन्हें गौर से देखें तो आप पाएंगे कि इन डांस के जो स्टेप्स होते हैं उन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शरीर के अंगों का प्रदर्शन हो, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा लस्ट यानी वासना को प्रमोट किया जाता है। डांसर्स को ऐसे कपड़े पहनाए जाते हैं जिससे कि उनके अंग और ज़्यादा निखर कर आएं। ऐसी ही एक डांसर इन दिनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, जिनका नाम है नोरा फतेही। और भी बहुत से ऐसे डांसर हैं जो कि इस प्रकार के भड़काऊ डांस करते हैं। जब भी आप इस तरह के डांस को देखते हैं तो वो डांस और वो दृश्य आपके दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ते हैं। उनके द्वारा किए गए स्टेप्स आपको याद रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और एंगेजिंग बनाए जाते हैं। इस तरह के डांस आप मंत्रमुग्ध होकर देखते हैं, यानी ध्यान लगा कर देखते हैं। और जब ये डांस ख़त्म हो जाता है और आप अपने घर की ओर या कहीं भी बाहर जाते हैं और आपको कोई अन्य स्त्री दिखाई देती है, तो आप वही स्टेप्स, वही सब कुछ जो आपने उस डांस में देखा, आप उस स्त्री पर फिट कर देखते हैं जो कि आपके दिमाग में छपे हुए हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 आयत 28 में यीशु मसीह ने कहा है कि यदि तुम किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालते हो तो तुम अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुके हो। यानी कि यदि आप एक स्त्री को बुरी नज़र से देख भर भी ले तो आपको व्यभिचार का पाप लग जाता है। फिर यीशु मसीह ने 29 आयत में कहा है कि यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हम जो कुछ भी देखते हैं, हमारा दिमाग उसी के अनुसार रिएक्ट करता है। इसलिए एक विश्वासी होने के नाते, उद्धार पाए हुए एक पवित्र जन होने के नाते, हमें बहुत ही सावधानी से इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम क्या देख रहे हैं और हमारी आँखों के ज़रिए हमारे दिमाग में क्या जा रहा है। हम अपने दिमाग को क्या देखने के लिए और किस तरह की बातें प्रोसेस करने के लिए ट्रेंड करते हैं। विश्वासियों को ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखनी चाहिए और ना ही उनके बच्चों को ऐसी कोई भी चीज़ दिखानी चाहिए, ऐसे कोई भी दृश्य दिखाने चाहिए जिससे कि उन्हें पाप, व्यभिचार करने की प्रेरणा मिले। मत्ती अध्याय 6 आयत 22 में इस प्रकार लिखा है कि शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। अक्सर ये देखा गया है
कि आम तौर पर लोग सुबह उठने के बाद काम पर जाने की जल्दी में बच्चों को टेलीविज़न देखने के लिए छोड़ देते हैं। बहुत से बच्चे कार्टून देखते हैं, लेकिन बहुत बार टेलीविज़न पर गाने चलते हुए माता पिता छोड़ देते हैं, खुद भी देखते हैं और अपने बच्चों को भी दिखाते हैं। और यदि आप उन गानों पर, उन गीत पर और जो उनमें डांस किए जाते हैं, जो स्टेप किए जाते हैं और जो कुछ भी उनमें पिक्चराइजेशन के तौर पर दिखाया जाता है, यदि आप उन पर गौर करें तो आप पाएंगे कि उससे व्यभिचार को, लस्ट को और वासना को प्रमोट किया जाता है, जिससे कि बच्चों के दिमाग में भी गलत असर पड़ता है। और बच्चे बचपन से ही गलत बातें सीखते हैं, व्यभिचार सीखते हैं, गंदी बातें सीखते हैं, और हमारे दिमाग में भी सारा दिन वही सब चलता रहता है। और क्योंकि हमारे दिमाग में सारा दिन ये चलता रहता है, इसलिए हम परमेश्वर के वचन पर गौर नहीं कर सकते, परमेश्वर के विषय में हम बातों को सुन नहीं सकते, परमेश्वर की आवाज़ को हम सुन और समझ नहीं पाते हैं। और यही कारण है हमारे जीवन में बार बार समस्याओं का आना, हमारे परेशानियों में पड़ना, और उन परेशानियों में जब हम पड़ते हैं तो उनमें हमें अकेला महसूस करना, खुद को होपलेस महसूस करना, मदद के बगैर खुद को महसूस पाना। इसलिए चाहिए कि हम इस बात को बहुत गंभीरता से विचार करें, बहुत ध्यान रखें कि हमारे और हमारे बच्चों के दिमाग में हमारी आँखों के ज़रिए क्या फीड हो रहा है, हमारा दिमाग किन बातों को प्रोसेस कर रहा है। टेलीविज़न पर आने वाले डांस और डांसर्स को और डांस शोज़ को देखने की बजाय हमें चाहिए कि हम ऐसी बातें देखें जो परमेश्वर के वचन से संबंधित हो। ऐसी इस तरह के शोज़ को हम देखें जो बाइबल पर आधारित हो, जिससे हमारे विश्वास को और हमारी आत्मिकता को बल मिले, हम पवित्रता में बढ़ते जाएं, हमारा मन परमेश्वर के वचन को प्रोसेस करे, परमेश्वर के वचन से संबंधित बातों को छाने, ना कि डांसर्स के द्वारा किए जाने वाले गंदे, भद्दे, अश्लील स्टेप्स को और उनके द्वारा किए जाने बोली जाने वाली गंदी बातों को हमारा दिमाग प्रोसेस करे। मत्ती अध्याय 7 आयत 14 में यीशु मसीह ने कहा है कि संकरा है वह फाटक और सकेत है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति, अनंत काल का जीवन और उद्धार, इसको यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें एक कठिन और मुश्किल जीवन जीना है। संकरा फाटक और सकेत मार्ग का अर्थ है मुश्किल जीवन, कठिनाइयों से भरा जीवन, शौक, ऐशो आराम और इस तरह की चीज़ें देखने से खुद को बचाए रखना, जो हमें पाप करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, वासना के लिए प्रेरित करे, इस तरह की चीज़ों से और बातों से दूर रहना जो हमें पाप में गिराती हैं, जिनके कारण हम अपना उद्धार और अनंत काल का जीवन खो सकते हैं। मेरे प्रियो, आज आपके पास मौका है। जीवन के इस मोड़ तक आपने जो कुछ भी देखा, जिस तरह के भी काम आपने किए, आज आप उन सब से तौबा पश्चाताप करें। आज आप परमेश्वर से बोलें कि परमेश्वर, मैंने बहुत कुछ गलत काम किए, मैंने बहुत सी ऐसी बातें देखी और मेरे बच्चों को दिखाई, जिनको देखना और जिनके विषय में बात भी करना आपके वचन के अनुसार गलत है, और मैं उन सब बातों के लिए माफ़ी मांगता हूँ, तौबा पश्चाताप करता हूँ, और ये प्रण करता हूँ कि मैं दोबारा इस तरह की कोई भी बातें ना खुद देखूँगा, ना मेरे बच्चों को दिखाऊँगा, जो उनको पाप करने के लिए प्रेरित करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा और इन बातों के द्वारा। आप अपनी बुराइयों से, अपने पापों से, अपनी गलतियों से बाहर आएँ और अनंत काल का जीवन उद्धार पाएँ।